यस, आज अपनी एक और नई स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। नाम है श्रीकांता, जिनकी AIR ऑल इंडिया 240 रैंक है NIT इलाहाबाद, इनको अलॉट हुआ है। और श्रीकांता जो है वो महाराष्ट्र के एक टाउन है जो कि गढ़चिरोली है, वहां से बिलोंग करती है, जो कि एक फॉरेस्ट एरिया है। तो सबसे पहले श्रीकांता, आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू सर। सर, ये तो मतलब हमारा तो हार्ड वर्क था, उससे भी ज्यादा हार्ड वर्क तो आपने किया है, ऐसा लगता है हम सब स्टूडेंट्स के लिए। बस इम्पिटस एक परिवार है, सबके सबके मिले जुले उससे रिजल्ट आता है इम्पिटस में, तो आप उस परिवार का ये किस्सा है। श्रीकांता, मैं चाहूंगा कि आप जिस जगह से हैं, पहले तो आप उस जगह के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि ये थोड़ा सा कई लोगों के लिए बड़ा नया नाम होगा, तो पहले उस जगह के बारे में बताएं। दूसरा, आपने फाइनल ईयर के साथ प्रिपरेशन की, क्या वहाँ का एटमोसफियर है, कैसे आपने NIMCET के लिए सोचा, क्योंकि नॉर्मली जब हम बहुत कई ऐसी जगह रहते हैं तो वहाँ बड़े स्टैंडर्ड कोर्स करते हैं लोग, या तो इंजीनियरिंग कर लिए, मेडिकल, या ज्यादा उनको पता नहीं होता, अवेयरनेस कम होती है। तो आप मुझे, मैं चाहूंगा कि आप इस बात बारे में डिटेल में विस्तार से बताएं। यस सर, आई एम फ्रॉम गढ़चिरोली, महाराष्ट्र। इतना पॉपुलर टाउन ही है, लेकिन हाँ, तो एक्चुअली हमारा कैसे कि 12th हुआ कि बस एक ऐसा पैशन है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग, एक्सेप्ट जैसे BSc करते बोले कि कोई वैल्यू नहीं, मतलब ऐसा ऐसा सब है फ्रेंड है। लेकिन फिर कैसे BSc हुआ कि फिर MSc, मतलब MCA का भी बहुत कम है, जैसे मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल से मैंने बात किया तो वो बोलते हैं कि MCA करते तो घर में बैठा रहना ही है, उनको इतना तक मतलब बोले, मतलब बहुत सारे पीपल ने। तो फिर मतलब, और फिर मैंने फाइनल ईयर हुआ था जब BSc का, तो फिर मैंने देखा था नेट पे सर, वो आपकी यूट्यूब वीडियोस को तो बहुत सारा थैंक यू कि वहां से हम ज्वाइन हो पाए। तो फिर वहां से हमने देखा, फिर आपके बहुत सारे वीडियोस देखा था कि ऐसा ऐसा है, और सौरभ शुक्ला सर से ही आपको ज्वाइन हो पाए थे। तो फिर ऐसे बताया कि NIMCET को एग्जाम होते हैं सर के, यहाँ तो किसी को भी NIMCET एग्जाम का अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं था। तो बस फिर आपके वीडियो से ज्वाइन होते होते फिर NIMCET की बस प्रिपेयर की। तो ये तो आपका तरीका हुआ, पर आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, मैं चाहूंगा आप वो बताएं कि NIMCET ज्वाइन करने के बाद, इम्पिटस गुरुकुल ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, आपने अपने आप को दोनों एग्जाम्स के लिए किस ढंग से प्रिपेयर किया, और कैसे अपनी पढ़ाई को आपने मैनेज किया। एक्चुअली सर कैसे, मतलब मैंने तो अगस्त 2019 में पेंशन ले लिया था, लेकिन कैसे वो कॉलेज का भी एंड ये सब मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नॉर्मल ऐसे गया, फिर दिसंबर में ऐसे लगा माय गॉड कि अब नेक्स्ट 2020 एग्जाम है, तो अब तो फिर पढ़ना चाहिए। तो फिर आपसे बात करके आपने मोटिवेट किया कि हाँ, अगर कितने भी टाइम हो, अगर आपने पढ़ लिया तो आप बेस्ट दे सकते हो, तो फिर ये सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर दूंगी। तो बस, तो फिर आपके ऑनलाइन क्लासेस से और सीरियसनेस आ गए, तो 100% बस वो ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़े। तो आपने जैसे कहा था, जैसे फॉर्मूलाज किसी टाइम थोड़ा कम था ना, फॉर्मूलेज लर्न करने की कैसे थी, जैसे आप बोल रहे थे हैंड्स पे लिखो एंड वॉलपेपर बनाओ, एंड मतलब पूरे, मतलब अपने रूम में, अपने रूम में पूरे चारों तरफ सारे फॉर्मूला लिख लिख के, यानी अभी भी वैसे डेकोरेट करके रखे हुए, मतलब सारा अपने जैसे जैसे कहा करना, जैसे गाइड पढ़ने का टाइम नहीं था ना, तो बस आप कहते थे कि पेपर सॉल्व करना, एंड उनका एनालिसिस तो बहुत, मतलब एकदम अच्छे से हर एक चैप्टर, मतलब सबका एनालिसिस बहुत अच्छे से किया था। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस अपना दिमाग पूरा बंद करके रखो, एंड जो सर कहते हैं बस वो ही सुनो एंड वो ही फॉलो करो, बस एंड नथिंग एल्स। देखिए, बहुत अच्छी बात बोली श्रीकांता ने। पेनड्राइव कोर्स 12 जुलाई में ही ज्वाइन कर लिया था, पर उसके बाद पढ़ाई में सीरियसनेस नहीं आई। फिर जनवरी फरवरी के बाद लगा कि नहीं, अब पढ़ना है, फिर लाइव पेनड्राइव विद लाइव क्लास के साथ ज्वाइन हुई, और देखिए 5 से 6 महीने में रिजल्ट आया एक तरह से देखा जाए तो। तो अभी जैसे हम 21 वाले बच्चों को, जो आजकल मेरे से कनेक्ट होते हैं, उनके मन में कई बार ये डर रहता है कि 6 महीने का टाइम बहुत कम है। मैं बोलता हूँ 6 महीने का टाइम कम नहीं, 6 महीने को यूटिलाइज कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने भी वही चीज करी है, तो मतलब लगभग 6 महीने आपने एक तरह से देखा जाए तो प्योरली NIMCET को दिए, और उसी से आपकी ऑल इंडिया 240 रैंक आई है। तो आपका क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए स्टूडेंट को जब टाइम कम हो तो? मतलब मैं तो ऐसे कहना चाहती हूँ कि मतलब पूरा थक दो, मतलब ये मैंने सीनियर्स लोगों की बहुत सारी वीडियो से सुना है, वो बोलते थे कि मतलब जितना भी टाइम है अभी से करें, ये भी नहीं कि कल को, बस अभी से स्टार्ट हो जाओ अपना हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करना बस, एंड अच्छे से पढ़ाई करो। एंड स्पेशली कैसे बहुत डिमोटिवेटर्स मिलते हैं, जैसे मतलब खुद को, मतलब आपसे सीखा सर कैसे बॉडी फंक्शन जैसे रहना, कि हर नेगेटिव वैल्यू को भी अपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखना,
बस तो मतलब और सबसे ज्यादा थैंक्स मैं अपने पेरेंट्स फैमिली इन सबको, मतलब सबको हमेशा थैंक्स बोलना है, उसके भी ज्यादा थैंक्स तो अपने डीमोटिवेटर्स को बोलना, क्योंकि उसी से अपने को एक अच्छा लेसन सीखने मिलता है। एंड मतलब और मैं तुझे कभी बोलना चाहती हूँ, मतलब मैं अपनी एक चीज और बताती हूँ कि मेरे लिए मैथ्स बहुत हॉरर था। मतलब मैंने सोचा कि मैं कैसे करूंगी, ठीक है फिर मैंने सोचा कि अब कर लूंगी तब, ठीक है स्टार्ट तो करते हैं, फिर स्टार्ट करते करते मैंने कभी नहीं सोचा कि इतने भी हार्ड क्वेश्चन में सॉल्व कर पाऊंगी। तो बस हाँ, और आपके टेक्निक्स तो सर मतलब फिर कोई भी, मतलब मेरे जैसे बच्चा पढ़ सकते हैं, फिर तो कोई भी पढ़ सकते हैं, ऐसा लगता है। देखो कितनी अच्छी बात बोली श्रीकांता ने। आप जो लोग सेशन सुन रहे हैं कि श्रीकांता को एक तो मैथ से डर लगता था, दूसरी बात इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो डिमोटिवेटर थे इसकी लाइफ के, इसने उनको थैंक यू किया। कई बार मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं आपको निगेटिव कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको एक पॉजिटिव भी मैसेज दे रहा है। निगेटिव से ही पॉजिटिव निकल के आता है। वो जो डीमोटिवेट कर रहा है उसका डी हटा दो तो उसने आपको मोटिवेट कर दिया। तो ये जो आपका थैंक्स है ना उनके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आज आप लोगों के अगेंस्ट है कल वही आपके साथ खड़े होंगे। तो आप किससे क्या लेते हो। दूसरी बात, आपने मैथ्स की एक सबसे बड़ी की चीज सीख ली कि मॉड फंक्शन जैसे रहना चाहिए, चाहे इनपुट निगेटिव हो या पॉजिटिव, हमें हमेशा पॉजिटिव बना रहना चाहिए। श्रीकांता को सच में मैथ्स से डर लगता था स्टार्टिंग में, बहुत मैथ्स बन जाएगा नहीं बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन हमेशा रहते थे उसके, और धीरे धीरे उसने मैथ्स पे अच्छा कमांड किया, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की, कम समय में जैसे ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए वो सारी टेक्निक फॉलो की, घर वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा, तो आपके पेरेंट्स का भी इसमें बहुत सपोर्ट रहा। हाँ सर, एक्चुअली उनके पेरेंट्स को तो बहुत ही बहुत फैमिली सब सबका बहुत सपोर्ट था। एंड मतलब इवनली मतलब माय मदर तो इतनी मतलब इंस्पायर्ड आपसे कि वो भी आप मतलब दो मतलब वर्ड बोलना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि आपकी मदर आ जाए और वो भी कुछ मैसेज दें अपना, क्योंकि आप जिस जगह से हो आपके ये मैसेज ऐसी जगह के बच्चों को बहुत मोटिवेट करने वाले। जी नमस्कार, आपको बहुत सारी बधाई है श्रीकांता की रैंक के लिए। सर थैंक यू, सर आपको भी बहुत सारा थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से बच्चों को इम्प्रूव किया। और सर देखिए भगवान की कृपा है, अच्छा परिवार मिलना और उससे भी अच्छा वैसे कि अच्छा गुरु मिलना, आपका सपोर्ट था तो इसलिए वो बच्चों ने बहुत अच्छा किया। और मैं तो यही चाहती हूँ कि सबको आप जैसे टीचर मिले और आप उनका सपोर्ट मिले। बिल्कुल थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके मैसेज से। जैसे आदिवासी एरिया है और रूरल है ना, यहाँ कोई वो नहीं है जी, उसको हाँ इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन आपके उससे क्या बोलते सपोर्ट से बच्चों ने बहुत अच्छा किया। और आगे भी सभी ऐसे आपका सपोर्ट सबको मिलता रहे सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा ये सुन के आपसे। और आप भी क्योंकि जिस जगह से आप हैं, आपकी ये मैसेज ऐसी जगह जो बहुत, जैसे आप फॉरेस्ट एरिया से हैं, रिमोट एरिया से जो बच्चे होते हैं कई बार आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, पेरेंट्स डरते हैं, तो आपको देख के कई पेरेंट्स जो जिनको अपने बच्चों को लेके कई बार टेंशन होती है स्पेशली फॉर गर्ल्स, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप क्या कहना चाहोगे, अब आप अपनी बेटी को इलाहाबाद भेजने वाले हो, काफी दूर है, तो आपके मन में कोई क्या आप सोचते हो और क्या आप मैसेज देना चाहोगे ऐसे पेरेंट्स को जो कि अपने बच्चों को बाहर भेजने से थोड़ा डरते हैं। नहीं सर, डरना भी जरूरी है क्योंकि अपन यहाँ दुनिया में रहते हैं, लेकिन कैसा रहता है सपोर्ट, आपके जो आप जो स्टूडेंट्स है जो वहाँ रह चुके हैं उनका भी बहुत सपोर्ट है कि नहीं डरने का नहीं, अच्छा होगा वहां जाने। जी 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 सर, आप लोगों ने इतना उनको ट्रेन किया है कि वो डरेगी नहीं, फिर वो अपने आप सब अच्छा ही करेगी। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है जी, और सबको यही आपके जैसा टीचर होना चाहिए, मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ। जी और आप भी सपोर्ट बच्चों को आपका जैसे टीचर मिलता रहे हमेशा, और सपोर्ट आप दे बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू श्रीकांता, आपकी मम्मी से बात करके बहुत अच्छा लगा। और देखो आपका एक अच्छा रिजल्ट से उनमें कितना कॉन्फिडेंस है। और ये ऑनलाइन क्लास के बाद एक चीज जरूर हुई मेरे साथ, पहले तो मैं क्लास में जो बच्चे आते थे वो ही जानते थे, पर ऑनलाइन के बाद क्लास के बच्चे, पेरेंट्स, उनके छोटे भाई बहन, आज हर एक जुड़ गए। और ये एक इम्पिटस परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये आगे जाके बहुत बड़ा परिवार बनेगा, और उसके हम सब मेंबर्स हैं और हमें सबको बढ़ाना इसी तरह से आगे भी। आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने जूनियर्स को या जो बच्चे कई बार फाइनल ईयर या घबराते हैं कि नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या जिनको डर लगता है सब्जेक्ट से, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपको। सबसे पहले चीज तो मैं यही बोलती हूँ कि अपने पे फेथ रखो कि आप कर सकते हो, बस जैसे अपने बीएससी मतलब कोई भी आप पढ़ रहे हो वैसे ही नीट पे ध्यान दो, मतलब
मतलब जैसे पॉइंटर है तो फिर इतना भी किसी पे ध्यान मत दो, अपने एंट्रेंस पे फोकस करो। एंड मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, प्रतीक सर ने हमको सिखाया था कि आपके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, फिर आप डर किस चीज के लिए रहो, बस अपना हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करो एंड आपको रिजल्ट आपको ऐसे ही मतलब मिल जाएगा, रिजल्ट आप सोचो मत एंड खुद पे तो भरोसा रखो। एंड मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ दुनिया को कि अपनी फैमिली मतलब ऐसा कुछ करो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क कि आपके पेरेंट्स आपका खुद नेशन आपके लिए प्राउड फील करे, टीचर सब कि आपने अच्छा करके दिखाया। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसी ही सोच हर बच्चे की होगी तो बहुत जल्दी सब आगे भी बढ़ेंगे और हमारा नेशन भी आगे बढ़ेगा। और हर एक का कंट्रीब्यूशन, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है छोटा, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बिग हो। आप ऐसी ही अपनी इस सोच को बनाए रखो, आगे भी बढ़ो, अपनी सिटी के अपने टाउन के बच्चों को भी मोटिवेट करो, आगे बढ़ाओ, निकालो ऐसे सेशंस लो जिनमें बच्चे मोटिवेट हों कि लाइफ में कुछ करना है, और अपने आप को भी आगे बढ़ाओ। इसी शुभकामना के साथ मैं चाहूंगा कि आपका कोई लास्ट मैसेज हो तो आप दो, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस सर मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब मतलब आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट था, इतना सपोर्ट था कि बस तो मतलब बस शरद सर जो कहते हैं बस वो सुनो एंड बस वो फॉलो करो। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट, अब NIT में जाके भी इलाहाबाद में जाके भी ऐसे ही परफॉर्म करना है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है, और जो पेरेंट्स का भरोसा आपके ऊपर आज है उसको और बढ़ाना है समय के साथ। Yes, sir. Mm-hmm.